नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईबीपीएससी इंड्यूस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक है मुगल कालीन भारत। हमने इसके पहले वाले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के जो सबसे लास्ट वंश हुआ, आखिरी वंश हुआ, लोदी वंश, उसके विषय में जानकारी ले चुके थे। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुआ था। उसके बाद इब्राहिम लोदी बाबर से युद्ध में हार गया, तब जाके मुगल वंश की स्थापना हुई। मुगल वंश के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, मुगल कालीन भारत, हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था, उस समय का जो भारत था, जो उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था थी बिल्कुल अलग थी। मुगल कालीन भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो कामकाज करने का तरीका था, वो भी बिल्कुल अलग था। अलग अलग सब शासन थे, शासनकाल थे, ठीक है ना। तो जो मुगल कालीन भारत था, वैसे तो ये दो चरणों में चला, मतलब दो खंडों में इसका जो शासनकाल चला मुगल कालीन भारत का। लेकिन अगर हम एक खंड की बात करें, मतलब मुख्यतः बात करें, तो 1526 से लेकर के 1858 तक मुगलों का शासन भारत पर रहा, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो मुगल शब्द है, जो मुगल शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, हम इस मुगल शब्द का अर्थ जान लेते हैं। तो जो मुगल शब्द है, ये जो मुगल है ना, मुगल, ये मुगल तुर्क जो देश है, तुर्की जो देश है, उस देश की एक सुगताई शाखा है। जैसे कि शाखा होती है ना, किसी पेड़ की अलग अलग शाखाएं होती है, किसी बैंक की अलग अलग शाखाएं होती है, ब्रांच, ठीक है ना, वही। तो जो तुर्की देश की एक सुगताई शाखा है, उस शाखा से मुगल वंश का उदय हुआ। कैसे हुआ देख लीजिए। जो मुगल है, मुगल दो वंशों से मिलके बना। कैसे दो वंश? एक तो मंगोल वंश और एक तुर्क वंश। इन दोनों वंशों से मिलके क्या बना? मुगल वंश बना, ठीक है ना। मंगोल वंश और तुर्क वंश से मिलके कौन सा वंश बना? मुगल वंश। मुगल का अर्थ क्या होता है? बहादुर। मतलब कि मुगल जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? बहादुर। जो बहादुर है वो कौन है? मुगल है, ठीक है। ये इसका एक सामान्य सा अर्थ होता है। मुगल वंश के जो प्रथम, जो मुगल वंश प्रारंभ हुआ, तो उसके प्रथम जो वंश थे, मतलब मुगल वंश के जो प्रथम संस्थापक थे, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी, वो थे बाबर, ठीक है ना। तो बाबर का जो शासनकाल था, वो 1526 से लेकर के 1530 तक चला। इसके पहले हम जान लेते हैं कि बाबर का भारत में प्रवेश कैसे हुआ, क्योंकि ये जो शासनकाल, ये भारत में आके ही हुआ, ठीक है ना। इसके पहले हम देख लेते हैं कि बाबर के माता पिता कौन थे, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जो बाबर था, उसका पूरा नाम था जहीबुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीबुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके पिता कौन थे बाबर के? तो उमर शेख मिर्जा इसके पिता थे, जो तैमूर के वंशज थे। तो बाबर का जो एक नाता है, वो तैमूर वंश से भी है, ठीक है ना। तैमूर कौन था? तुर्क था, ठीक है ना। तो बाबर का एक नाता तैमूर वंश से है। दूसरा नाता देख लीजिए, उसकी जो माँ थी, उसकी माँ का नाम था कुतुलुक निगार खानम। उसकी माँ का क्या नाम था? कुतुलुक निगार खानम। और इसकी माँ थी मंगोल वंश से। तो मंगोल वंश से माँ थी, जिसका नाम कुतुलुक निगार खानम था, और पिता जो तुर्क वंश से, उसका नाम था तैमूर। आपने तैमूर लंक अली खान का नाम तो अवश्य सुना होगा, वही, हाँ, उसी वंश से तुर्क, ठीक है ना। तो बाबर जो था, वो तुर्क वंश से भी था, मंगोल वंश से भी था। इन दोनों के मिश्रण से बना मुगल वंश, ठीक है ना। मंगोल वंश को आपको समझना हो तो संगेज खान नाम याद कीजिए आप, संगेज खान, हाँ, वही संगेज खान मंगोल वंश से था, ठीक है ना। अभी देखिए, जब बाबर 12 साल का था, अभी तक भारत आया नहीं, अभी तक कहाँ पे है? वहीं पे है, ठीक है ना। तो जब बाबर 12 साल का था, तो उस समय 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा। फरगना जो उसके पिता का शासन था, फरगना में उसके पिता का शासन था, एक फरगना एक प्रदेश है तुर्क में, ठीक है ना। तो उसके पिता का प्रदेश था, उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद वो फरगना की गद्दी पर बैठा, वो भी मात्र 12 साल की आयु में।
और बैठते ही उसने बादशाह की उपाधि धारण की। जैसे ही गद्दी पे बैठा अपने आप को बादशाह कहने लगा कि मैं तो बादशाह हूँ आज से। उसने बादशाह की उपाधि धारण की थी और बाबर प्रथम वो शासक था तैमूर वंश का जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। तैमूर वंश का प्रथम शासक जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी वो कौन था? बाबर ही था, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो बाबर का जो सामान्य से परिचय है वो हो गया। अभी देखिए बाबर का भारत आना कैसे हुआ। बाबर ने देखिए सबसे देखिए अपना जो भारत है ना कुछ ऐसा दिखता है, मतलब उसका जो नक्शा आप देखेंगे तो इस प्रकार का भारत का नक्शा है। यहाँ पे पंजाब आ गया, ठीक है ना, इतना नहीं अच्छा से बनाना आता लेकिन हाँ यहाँ पे पंजाब आ गया, यहाँ पे जो सिंध पाकिस्तान वगैरह सब यहाँ का जो हिस्सा है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो बाबर ने सबसे पहले सिंध पे आक्रमण किया, वहाँ से सिंध को जीत लिया, उसका कुछ प्रदेश सिंध को जीत मतलब जीत लिया। तो यहाँ तक तो बाबर पहुँच ही गया था, पहले भारत आने से पहले बाबर यहाँ तक तो पहुँच ही गया था। यहाँ पे आने के बाद बाबर ने कहाँ पे दिल्ली पे आक्रमण किया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। उस समय बाबर ने दिल्ली पे आक्रमण क्यों किया? क्योंकि देखिए बाबर को एक स्थायी सत्ता की आवश्यकता थी। बाबर भटक रहा था सत्ता के लिए कि कहीं पे मिले, सत्ता मिले वहां पे जाके मैं शासन कर सकूं, तो सत्ता के लिए बाबर भटक रहा था। यहाँ पे आकर उसको थोड़ा सा विश्राम मिला लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं था उसके लिए, तो उसको दिल्ली जो थी वो अच्छी लगी, तो यहाँ पे उसने आक्रमण किया। और उस समय देश में मतलब दिल्ली में और भारत के जो दक्षिणी इलाके हैं उस समय इतने हालात जो है वो ठीक भी नहीं थे, जो कहते हैं ना एक राजनीतिक उतल फुतल मची हुई थी, इसी कारण बाबर ने इसका फ़ायदा उठाया। इसके अलावा बाबर को पंजाब के एक शासक हो गए, उनका नाम था, नाम बाद में बता दूंगा मैं, पंजाब के एक शासक हो गए इस उन्होंने पंजाब के शासक और राजपूत शासक हो गए, उनका नाम था राणा सांगा, महाराणा सांगा उनका नाम था, और एक पंजाब के शासक, उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था कि आइए आके दिल्ली पे आक्रमण कीजिए, हम आपका साथ देंगे। मतलब उन्होंने बाबर को कहा था कि आके दिल्ली पे आक्रमण कीजिए, इस प्रकार का इन्विटेशन भेजा था। तो बाबर को लगा कि इस समय जो हालात है बहुत अच्छे हैं दिल्ली पे कब्जा करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। और उस समय जो लोदी था इब्राहिम लोदी वो उतना युद्ध में माहिर भी नहीं था, एक कह सकते हैं डरपोक किस्म का शासक था। तो उसने आके दिल्ली पे आक्रमण किया और उस आक्रमण में बाबर जो था जीत गया, ठीक है ना। उस युद्ध में बाबर क्या हुई? जीत हुई। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जो था, बाबर ने पांचवी बार भारत पर आक्रमण किया, पांचवी बार, चार बार पहले प्रयास कर चुका था, पांचवी बार आके बाबर ने भारत पर आक्रमण किया 21 अप्रैल 1526 को, फिफ्थ टाइम आक्रमण किया, पांचवी बार भारत ने बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। और ये युद्ध जो पानीपत का प्रथम युद्ध था ये किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी जो था वो हार गया, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। इस युद्ध की कुछ विशेषताएं थी, इस युद्ध में बाबर ने प्रथम बार तोप खानों का प्रयोग किया, तोप जो आज तोपे होते हैं बड़ी बड़ी तोपे, उनका फर्स्ट टाइम बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध में प्रयोग किया था, अलग अलग तोप खानों का प्रयोग किया था, ठीक है ना। 1526 में बाबर ने युद्ध जीता और युद्ध जीतने के बाद स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया और इसी के साथ उसने क्या की? मुगल वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से मुगल वंश की क्या हो गई? स्थापना हो गई। इब्राहिम लोदी को हरा दिया, हराने के बाद उसने स्वयं को बादशाह घोषित किया और मुगल वंश की क्या हो गई? स्थापना हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गया पानीपत का युद्ध हो गया। इसके बाद देखिए क्या हुआ, मैंने आपको पहले बताया कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था युद्ध करने के लिए, ठीक है ना। तो राणा सांगा का उस समय आमंत्रित करने का विचार कुछ अलग नहीं था, यही विचार था राणा सांगा का कि बाबर आएगा दिल्ली पर आक्रमण करेगा और लोदी को हरा देगा और यहाँ से कुछ सोना वगैरह जो दिल्ली को लूट के लेके वापस चला जाएगा, उस समय राणा सांगा का ये विचार था, ठीक है ना। तो राणा सांगा ने उनको मतलब बाबर को आमंत्रित किया था आने के लिए दिल्ली में, लेकिन बाबर आया दिल्ली पर आक्रमण किया, जीत गया दिल्ली को और वहीं पे बस गया, जाने का नाम ही ले लिया।
वो क्या बोला कि मैं तो यहीं पे टिकूंगा, अब जाऊंगा ही नहीं, अपनी सत्ता को और बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो वाणा सांगा इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उनको लगा कि ये कैसे हो गया, ये जो प्लान थे तो बिल्कुल उल्टा हो गया, ठीक है ना। और तो ये तो वाणा सांगा के मन में ऐसा हुआ, दूसरी ओर बाबर ये सोच रहा था कि अगर मुझे अपना साम्राज्य विस्तार करना है तो वाणा सांगा को हराना पड़ेगा। वाणा सांगा कौन थे? वो वाणा सांगा जो थे परिचय के मोहताज नहीं है, वो अपने आप में, अगर आप राजस्थान से तो आप अवश्य जानते होंगे वाणा सांगा को, ठीक है ना। उन्होंने 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े थे, बहुत ही एक अच्छे शासक थे अपने शासनकाल के, ठीक है ना। महाराणा प्रताप के दादाजी राणा सांगा वही, हाँ ठीक है ना। तो उसी समय बाबर के मन में चल रहा था कि अगर मुझे अपनी सत्ता को बढ़ाना है तो राणा सांगा जो है सबसे मुश्किल शासक है, मतलब उनको युद्ध में हराना सबसे मुश्किल है, इसलिए सबसे पहले उनको ही हराना पड़ेगा। जब तक राणा सांगा रहेंगे तब तक तो मैं युद्ध अपनी सत्ता को जो है आगे बढ़ा ही नहीं सकता। तो बाबर ने इस वजह से राणा सांगा से युद्ध किया, और राणा सांगा के मन में पहले से ही गुस्सा था कि बाबर आया तो गया, वापस गया क्यों नहीं। तो ये राणा सांगा के मन में पहले से ही गुस्सा था, और बाबर ने क्या सोचा कि मुझे अपनी सत्ता को बढ़ाना है तो राणा सांगा से युद्ध करना ही पड़ेगा। अभी राणा सांगा ने, अभी वो तो बाबर जानता था ना कि अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए राणा सांगा से युद्ध करना है, लोग थोड़ी जानते थे। तो बाबर ने लोगों के मन में एक ऐसी विचार भर दिया, उन्होंने बाबर ने लोगों से कहा कि राणा सांगा से युद्ध करना आवश्यक है। क्यों क्यों युद्ध करना आवश्यक है? जिहाद के लिए आवश्यक है, जिहाद के लिए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है राणा सांगा से युद्ध करना। तो एक तरफ राणा सांगा जो पहले से गुस्से में थे बाबर के खिलाफ, दूसरी ओर बाबर जो अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए राणा सांगा से युद्ध करने के लिए तत्पर था। तो जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ उसी को कहते हैं खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ, ठीक है। 1527 में कौन सा हुआ? खानवा का युद्ध हुआ। उस युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। वो युद्ध किस किस के बीच में हुआ? खानवा का युद्ध। बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ, उसमें जो है राणा सांगा पराजित हो गए। जब मैं ये टॉपिक पढ़ रहा था, मतलब आपको पढ़ाने से पहले खुद भी पढ़ना पड़ता है मुझे, तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने कई आपकी बुक से ही नहीं पढ़ता, बाकी इंटरनेट की दुनिया से भी कुछ पढ़ता हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देखा, तो मैंने इंटरनेट पे एक आर्टिकल देखा था, उसमें मैंने पढ़ा था कि राणा सांगा की युद्ध में जीत हुई थी, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की जीत हुई थी, बाबर की हार हुई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कॉन्फ्लिक्ट लगा, तो मुझे लगा आपको बताना आवश्यक है। लेकिन किंतु आपके बुक में ऐसा दिया हुआ है कि राणा सांगा की क्या हो गई थी? पराजित हो गए थे राणा सांगा। तो आप पराजित एग्जाम में लिखेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। वो इंटरनेट की दुनिया थी, वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने तो वहाँ से पढ़ा, आपको बता दिया, बताने भी आवश्यक था आपको, ठीक है ना। आपको भी कभी ऐसा कुछ हो मिल जाए आर्टिकल तो वो बात अलग है, ठीक है ना। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ, उसमें राणा सांगा क्या हो गई? पराजय हो गई। बाबर, मैंने आपको पहले ही बताया कि लोगों के मन में कुछ उसने विचार भर दिया था बाबर ने। तो युद्ध के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया लोगों को, जिहाद मतलब लोगों को कहा कि जाओ जिहाद करो। लोगों को क्या कहा? जिहाद करो। जिहाद का मतलब क्या होता है? अपने धर्म की रक्षा करो, तुम्हारे धर्म पर खतरा है, जाओ युद्ध करो, अपने धर्म की रक्षा करो। इस प्रकार का नारा, जिहाद का नारा जो था किसने दिया? बाबर ने दिया। युद्ध में जब युद्ध में बाबर की विजय हुई, राणा सांगा की हार हुई, पराजय हुई, तो उसके बाद अपने आप को गाजी की उपाधि दी बाबर ने। स्वयं को किसकी उपाधि दी? गाजी की भी उपाधि दी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया खानवा का युद्ध हो गया। इसके बाद हम देखते हैं चंदेरी का युद्ध। किसका युद्ध? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध मतलब क्या? देखिए, मालवा और बुंदेलखंड, जो मालवा का क्षेत्र है और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, मालवा बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र है। मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित, देखिए यहाँ पे मालवा की सीमा, यहाँ पे बुंदेलखंड की सीमा, इन दोनों सीमाओं के बीच में मध्य में स्थापित था चंदेरी। जो चंदेरी था वो व्यापार के लिए, मतलब अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, व्यापार के लिए और राजनीति के लिए एक अच्छा
स्थान था, एक अच्छा महत्वपूर्ण स्थान था, वहां से ही सिर्फ व्यापार चलता था, वहां से सिर्फ राजनीति होती थी, ठीक है ना। तो बाबर ने भाई पहले तो ये खानवा को युद्ध जीत ही चुका था बाबर। अभी देखिए खानवा का युद्ध और चंदेर के युद्ध का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। क्या कनेक्शन मैं बताता हूँ, यहाँ पे राणा सांगा की हार हुई थी। जो चंदेर के युद्ध के जो राजा थे मेदी नारायण, जो चंदेरी के राजा थे कौन, मेदिनी राय, जो राजा, जो राजा जी थे, वो ये जो राजा थे ये राणा सांगा के एक सरदार थे जो चंदेरी के सरदार हुआ करते थे। मतलब ये राणा सांगा के अधीन ही थे, जो मेदिनी राय थे वो राणा सांगा के अधीन ही थे। और इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में मेदिनी राय भी थे, लेकिन कैसे भी करके वो यहाँ पे वापस से लौट गए। इस युद्ध में उनका कुछ हुआ नहीं, वापस से चंदेरी लौट गए। तो बाबर ने इनको कहा कि राणा सांगा तो पहले से युद्ध में हार गए हैं, आप चंदेरी हमें दे दीजिए और हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आप हमारे अंडर, हमारे नीचे रह के काम करना। तो मेदिनी राय ने साफ साफ मना कर दिया कि ये तो संभव है नहीं। तो बाबर ने इसके खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोला और निकल पड़ा युद्ध करने के लिए। तो वही युद्ध क्या हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ, ठीक है ना। तो चंदेरी का युद्ध कहाँ हुआ, मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर एक चंदेरी स्थान है, उस स्थान में युद्ध हुआ, जो कि व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र का प्रमुख वहाँ है चंदेरी। कब हुआ, 1528 में युद्ध हुआ। उस युद्ध में मेदिनी राय जो थे वो पराजित हो गए, और वहाँ पर भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया। मतलब अगर लोगों को उकसाना है, कैसे भी करके लोगों को उकसाना है, गुस्से में लाना है, तो लोगों को कह दो कि आपका धर्म खतरे में है, आपका मजहब खतरे में, इस प्रकार से लोगों में भ्रांति फैला दो, लोग अपने आप आग बबूला हो जाएंगे और निकल पड़ेंगे मारकाट करने के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी बाबा ने किसका नारा दिया, जिहाद का नारा दिया कि आपका धर्म खतरे में, उठो अपने धर्म की रक्षा करो। इस प्रकार का जिहाद का नारा किसने दिया, बाबा ने दिया। और जो मेदिनी राय को भाई जीत तो पहले लिया, वहाँ पर मेदिनी राय की पराजित हो गई, तो मेदिनी राय की दो पुत्रियाँ थी, दो लड़कियाँ थी, उनको भी बाबर ने उन दो पुत्रियों, जो मेदिनी राय की जो लड़कियाँ थी उनको क्या किया, एक को हुमायूं, जो बाबर का पुत्र था हुमायूं, उसको उपहार दे दिया एक लड़की को, और एक को कामवान को उपहार स्वरूप दे दिया, सोचिए, ठीक है ना। तो ये था चंदेरी का युद्ध। इसके बाद हुआ घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कैसे हुआ, देखिए प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई। इब्राहिम लोदी के भाई थे महमूद लोदी। तो महमूद लोदी बिहार के आसपास का जो क्षेत्र था, जो घाघरा नदी के जो तट का क्षेत्र था, वहाँ पर शासन कर रहा था, कैसे भी करके अपना शासन चला रहा था। बीच बीच में कभी कभार बाबर को मतलब क्या करते हैं, सताता भी था कि आके आक्रमण कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो उससे बाबर को काफ़ी परेशानियां होने लगी अपना शासन चलाने में। तो बाबर ने इसके खिलाफ मोर्चा ही खोल लिया कि जाओ यार एक बार में इसको निपट के आ जाते हैं, ठीक है ना। तो बाबर गया, और जो अफगानी शासक थे महमूद लोदी, ये महमूद लोदी कौन थे, ये महमूद लोदी थे इब्राहिम लोदी के भाई थे, ठीक है ना। तो महमूद लोदी के खिलाफ युद्ध लड़ा, कहाँ पर, घाघरा पर। इसको घाघरा का युद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर युद्ध हुआ वो घाघरा नदी के तट का क्षेत्र था, घाघरा नदी जो है ना उसके तट का क्षेत्र था। तो वहाँ पर महमूद लोदी ने युद्ध लड़ा, और वहाँ पर महमूद लोदी क्या हो गया, पराजित हो गया। पराजित होने के बाद वो बंगाल साइड जो है भाग गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतने युद्ध लड़े किसने, बाबर ने, और धीरे धीरे अपनी सत्ता को जो है फैलाने लगा, ठीक है ना। इसके बाद बाबर की जो है 26 दिसंबर 1530 को क्या हो गई, मृत्यु। 1529 तक उसने अपना आखिरी युद्ध लड़ा, घाघरा का युद्ध, और 1530 में उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। मृत्यु होने के बाद उसको सबसे पहले तो रामबाग में दफन किया, मतलब जो यमुना का किनारे में एक जो रामबाग है वहाँ पर बाबर को सबसे पहले दफनाया गया। लेकिन बाबर की ये इच्छा थी कि उसको जो है काबुल में, जो काबुल जो है आज अफगानिस्तान में है, तो उसको काबुल में दफनाया जाए। ये बाबर की इच्छा थी कि वो जब भी मरे तो वो काबुल में ही दफनाया जाए। तो उसकी इच्छा होने के कारण बाबर की उसको वामबाग से निकाल करके काबुल में वापस से दफनाया गया, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ और जानकारी है, जो
बाबर ने अपनी पुस्तक लिखी थी, अपनी जो दिनचर्या पर पुस्तक लिखी थी कि वो कैसे खाता था कैसे पीता था, मतलब अपनी जो डेली लाइफ जो होती है ना, वो अपने डेली लाइफ कैसे जीता था उस पर उसने एक बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में उसने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था बाबरनामा या तुजू के बाबरी, उस पुस्तक का ये नाम था, बाबरनामा या तुजू के बाबरी उस पुस्तक का नाम था। बाद में अब्दुल रहीम खाना ने उसको फारसी भाषा में अनुवादित किया, मतलब फारसी भाषा में भाषांतरण किया, ट्रांसलेट किया इस बाबरनामा बुक को, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा मुगल वंश का अर्थ क्या होता है, मुगल वंश की थोड़ी बहुत जानकारी ली और बाबर के बारे में पढ़ा। बाबर के बाद इसके पुत्र हुमायूं का शासन आया, ठीक है ना। तो हुमायूं ने अपने शासनकाल में क्या क्या किया वो सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस यहाँ पर इतने इतने आपको कुछ भी डाउट है तो आप अवश्य मुझसे पूछिए, मैं बैठा हूँ आपको बताने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है हमें ये पढ़ाने में, ठीक है ना। तो एक मोटिवेशन मिलेगा, लाल बटन है काले के, हमने कुछ ज़्यादा तो करना है नहीं, कुछ पैसे तो देने हैं नहीं, लाल बटन है काला कर लीजिए, है ना कि नहीं, आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।